इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत इन चार मिसरों से करते हैं। हर आदमी अब शक के घेरे में है, इंसानियत का वजूद अब अंधेरे में है, जिंदा कौम में अब बची ही कहाँ है, धरती अपने आखिरी फेरे में है, लंबी फहरिस्त है जुदा जुदा कौमों की, खुदा न जाने किस मजहबी डेरे में है। इंसानियत का गला कटता यहाँ हर रोज, दरिंदे हर गली हर डगर हर बसेरे में है, किसी को चाह नहीं है आजकल शब की, हर किसी की ख्वाहिश सुबह सवेरे में है। देश यकीनन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अवाम में इस बात की चर्चा है कि अब हुकूमत के जेर मातहत या फिर भाजपा इख्तदार वाली रियासतों में एक बार फिर फसादात करने की साजिशें जोरों पर है। यह बात यूं ही नहीं कही जा रही बल्कि इसके दलाइल भी मौजूद है। लिहाजा इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करना है और अमन अमां को बरकरार रखना है तो सभी शहरों के हिंदू मुसलमानों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के नाम पर देश भर में कई फसादात हुए, सैकड़ों फसादात हुए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अब तक हजारों दंगों में हजारों लाखों लोग मारे गए, कत्लेआम किया गया। लिहाजा एक बार फिर राम मंदिर की तामीर के नाम पर देश भर में चंदा इकट्ठा कराने के बहाने से मुस्लिम मोहल्लों पर पथराव और बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का काम अंजाम देने की इत्तला हासिल हुई। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो पर आने वाले दिनों में अकलीती समाज को बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। कई इल्मी दानिशवरों ने इस बात का इशारा भी कई बार दिया हुआ है। मरकजी मोदी हुकूमत ने तमाम महकमाओं को अपने जेर मातहत रखा हुआ है। हाल ही में दो वाकिया ऐसे पेश आए जिससे शक यकीन में बदलने के लिए काफी है। अभी भी मजहब के नाम पर फसादात जारी रहेंगे। वैसे तो पुलिस इंतजामिया का काम है जो भी माशरे में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। फिर वो किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक रखता हो। बरोज जुमा उज्जैन में राम मंदिर तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करने के बहाने रैली निकाली गई और खासकर मुस्लिम मोहल्लों से निकाली गई और जानबूझकर पथराव भी किया गया, अकलीती समाज के घरों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि किस तरह सड़कों पर गाड़ियां दुकानों को निशाना बनाया गया, घरों को आखिर पुलिस ने पथराव के बहाने मुस्लिम माशरे के घरों को ही गिराना शुरू किया और कईयों की गिरफ्तारी भी अमल में आई। आखिर सड़कों पर बैठकर लोगों ने एहतजाज किया तब कुछ हद तक मामला काबू में आने की बात कही गई। सवाल यह उठता है कि बात बात के लिए कोरोना का बहाना बनाकर इजलासों को इजाजत नहीं दी जाती, अब तक स्कूलों को तक शुरू नहीं किया गया तो फिर इतने जल्दी राम मंदिर के चंदे के लिए रैलियों की इजाजत क्यों दी गई और इसकी जरूरत क्या है? जाहिर है कि यह उसी नहज पर हो रहा है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी। और याद रहे कि रथ यात्रा जहां जहां से गुजरा हुआ वहां की जमीन लवलवान हुई। तमाम कहानी को इसी तारीख को फिर से दोहराने की साजिश हिंदुत्वादी तंजीमों की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा पहली ही रैली को फसाद की शक्ल दी गई। हमारा सवाल उन लोकतंत्र लोकशाही जमहूरियत आईने हिंद का वास्ता देने वाली सेक्युलर पार्टियों से तंजीमों से है जो खामोश है। क्या भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब महज अल्फाज रह गए? आखिर क्या भारत में खून खराबा ही एक रास्ता बच गया जहां पर बेगुनाहों के लहू से मुल्क की कहानी लिखी जाएगी? जब मुल्क का आईन दस्तूर लोकतंत्र संविधानी सबसे बड़ा है तो अकलियती समाज के लिए जो चाहे जहां चाहे कुछ भी बोल रहा है। क्या सचमुच संविधान लोकतंत्र वाकई मजबूत है या किसी धर्म के नाम पर हुकूमत चलाने वाली पार्टी के हाथों खिलौना बन गया? तो फिर इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? अदालत, कानून, इंतजामिया आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? बेलगाम शहर के देहातों में जाकर फिरका परस्त तंजीमें नफरत जहर घोलने की कोशिश कर रही है, कोशिश मुस्तकिल जारी है। सवाल यह उठता है कि बांग्लादेशी या दिगर विदेशी शहरियों के बहाने मुस्लिम इलाकों की तलाशी तो होती है, क्या आरएसएस या वीएचपी या फिर किसी भी फिरका परस्त तंजीम के क्यों अपराधों की तलाशी नहीं ली जाती? क्यों किसी भी धर्म मजहब का हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, इन जहर घोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं की जाती? उज्जैन की वारदात को बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के तमाम शहरों में एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर खून खराबा करने का मंसूबा बन चुका है। अब सभी देशभक्त और धर्मनिरपेक्ष आवाम को आगे आकर रोकना होगा
राम मंदिर का बजट 1000 करोड़ का बताया जा रहा है। लिहाजा आवाम यह गुजारिश कर रही है कि जिस तरह दिगर मामलों में हुकूमत ने अपने तौर पर फैसले लेकर हुकूमत का रुपया लगाया या फिर पीएम केयर के तौर पर कोरोना में खूब पैसा उठाया, उसी तरह मंदिर के नाम पर सीधे अकाउंट में आवाम को रुपया जमा करने का ऐलान करे। वैसे भी इस तरह के कामों में हमारे प्रधानमंत्री तो काफी माहिर है, लिहाजा शहर शहर रैलियां निकालकर चंदा इकट्ठा करने से फसाद की शक्ल पैदा हो सकती है, मुल्क के अमन अमान को खतरा हो सकता है। लिहाजा धर्म के नाम पर पहले ही वर्गला कर सैकड़ों फसाद भारत की आवाम ने देखे हैं, हजारों जाने जा चुकी है, लाखों बेघर हुए हैं। अब जब मईशत डूब चुकी है, कारोबार ठप हो चुके हैं, लॉकडाउन कोरोना की वजह से 10 साल पीछे जा चुके हैं, देश की आवाम को इत्मीनान से जीने तो दो। नई नई तरकीबों के जरिए आवाम को मसरूफ कर सियासी मुफाद हासिल करना छोड़ दे, देश को कैसे तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं इसकी तदबीरें बनाए, इस पर तवज्जो दे। यूं खून खराबा नफरत की आग पर हासिल इख्तदार तवील अरसे तक भी नहीं रह सकता, आवाम के दिलों में जगह बनाने की मोदी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। राम मंदिर पर चंदा इकट्ठा करने से पहले किसानों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, करोड़ों के चंदों का सिर्फ ऐलान किया जाता है, करोड़ों की मूर्तियां किसी की इजाजत के बगैर तो खड़ी की जाती है, पर राम मंदिर पर आवाम के जज्बात को उभार कर फसादत के माहौल को बनाकर जहन को मसरूफ करने की साजिशें की जा रही है। गरीब मुल्कों की फहरिस्त में भारत दाखिल हो चुका है, धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत की जा रही है। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में फिरका परस्त तंजीमें सरगर्म है, इनकी तलाश खुफिया एजेंसियों की है जो उनके उन्हें करनी चाहिए। हर मामले को मुसलमानों की तरफ मोड़ने से या मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने से ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, लिहाजा धर्म नफरत खून खराबा जुल्म ज्यादती के बलबूते पर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। जुल्म की इन तारीकी रातों का खात्मा बहुत जल्द होना है और कोई जालिम खुदा के हाथ से बच भी नहीं सकता। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, किसी ने भारत के मौजूदा हालात पर क्या खूब कहा है, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। भारत के रहने वालों, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम सब तोड़ दिए जाओगे। जब तुम हर घर से लाश उठाओगे तभी क्या तुम सभी होश में आओगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।